दुनिया भर में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस वक्त लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले तीसरी लहर का कारण बन रहे हैं। भारत में बुधवार को 2.47 लाख से ज्यादा कोविड-19 के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि मई 2020 के बाद सबसे अधिक हैं। कोरोना के इस तरह से तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं और सभी लोगों को लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। ओमिक्रॉन से पहले भारत पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के कारण दूसरी और बेहद खतरनाक लहर झेल चुका है। अध्ययनों में बताया जा रहा है कि वैसे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन इसके प्रसार की दर डेल्टा की तुलना में 4 गुना अधिक है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। कोरोना के कारण बने डर और अनिश्चितता के बीच कुछ रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है वो काफी राहत भरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः ओमिक्रॉन वेरिएंट के जाते ही दुनिया को कोरोना महामारी से राहत मिल जाएगी। वैज्ञानिक किस आधार पर इस तरह का दावा कर रहे हैं और क्या वास्तव में अब हमें कोरोना महामारी से जल्द ही राहत मिलने वाली है, आइए आगे की स्लाइड में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कम होता जाएगा कोरोना का असर। इंग्लैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर इयान जोन्स कहते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना महामारी संभवतः अब अपने आखिरी चरण में है। फ्लू जैसे तमाम संक्रमणों की तरह ही अब कोरोना भी समय के साथ हल्का होता जाएगा। जैसे कि ओमिक्रॉन के मामलों में अध्ययन में पता चलता है कि ये स्वस्थ और फिट लोगों के लिए ज्यादा समस्या पैदा नहीं करता है। खतरा उन लोगों के लिए ज्यादा है जो कि पहले से ही कमजोर इम्यूनिटी के शिकार हैं। वायरस की अब तक ऐसी ही प्रवृत्ति देखी जाती रही है, उसके लक्षण हर लहर के साथ कम होते जाते हैं। लोगों में विकसित हो रही है मजबूत प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्रोफेसर इयान जोन्स कहते हैं कि जैसा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखा जा रहा है कि इसके कारण संक्रमितों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये लोगों की संक्रमण से लड़ने की प्रतिरक्षा को बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी वायरस की संक्रमित हो चुके हैं तो शरीर में निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, जो अगले संक्रमण के समय में रोग की गंभीरता को कम कर देती है। डेल्टा संक्रमण के समय लोगों में गंभीर लक्षण देखे गए हैं, वहीं अब ओमिक्रॉन के लक्षण भी समय के साथ हल्के हो गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में कोरोना के लक्षण और भी हल्के होते जाएंगे और फ्लू की तरह ये कोरोना वायरस भी सामान्य और कम प्रभाव वाला हो जाएगा। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? ओमिक्रॉन की प्रकृति को लेकर अब भी वैज्ञानिक बहुत सारी बातों से अनजान हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट को रोक पाना मुश्किल लगता है, ये दुनिया भर में बड़ी आबादी में संक्रमण का कारण बन सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गांधी का मानना है कि जिस तरह से रुक रहे हैं, ऐसे में लगता है कि महामारी जल्दी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। वायरस जरूर हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन आशा है कि वेरिएंट लोगों में इतनी प्रतिरक्षा विकसित कर देगा जिससे आने वाले वर्षों में संक्रमण का असर बेहद निम्न हो जाएगा। वायरल संक्रमण का ऐसा ही रहा है पैटर्न। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी आबादी को प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है, जो भविष्य में वायरस के अन्य वेरिएंट को भी असर करने में मदद करेगा। पहले भी कई तरह के वायरल संक्रमण में यही पैटर्न रहा है। फिलहाल हम सभी को मिलकर कोरोना के इस खतरे से मुकाबला करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले वर्षों के लिए हम अच्छी उम्मीद कर सकें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।